सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सैमसंग गैलेक्सी S20 जो सीरीज कल कल ग्लोबली लॉन्च हो चुका है वो जो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। उसमें आपको S22, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा ऐसे फोन लॉन्च हुए, साथ ही आपको सैमसंग टैब A7 टैब A7 प्लस लॉन्च हो चुका है और अल्ट्रा भी देखने को मिला है। साथ ही जो सैमसंग S22 और S22 प्लस थी उनकी भी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन डिफरेंट देखने को नहीं मिला, मगर S22 अल्ट्रा जो फोन है उसमें स्पेसिफिकेशन के बहुत सारे डिफरेंट देखने को मिले। साथ ही और एक कंफर्म कर दिया कि 4 साल तो उनके फोन एंड्रॉइड वैसे अपडेट देखने को मिलेंगे और 5 साल तक सिक्री पासिक सिस्टम देखने को मिलेंगे। सैमसंग की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है और एक बेहतरीन प्राइस से बेहतरीन फीचर्स का देखने को मिला। सैमसंग का S22 अल्ट्रा जो फोन है जो बेस मतलब सबसे हाईएस्ट वेरियंट में कुछ 1 लाख के रेंज में देखने को मिला, जहाँ जहाँ भी ग्लोबली लॉन्च हुआ प्राइस को इंडिया में कन्वर्ट किया जाए 1 लाख के रेंज में देखने को मिला। इसी प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होगा बेहतरीन फोन हो सकता है सैमसंग S22 अल्ट्रा। वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉर्ड SC2 जो लॉन्च होने फिक्स हो गया, 17 फरवरी को लॉन्च होने वाला इंडिया में। इसमें आपको Dimensity 900 देखने को मिलेगा, 6+2 का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और फ्रंट की तरफ आपको 16 MP कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। 2 वेरियंट रहेंगे 6+128 और 8+128 वाला वेरियंट देखने को मिल सकता है। इसकी भी प्राइस जैसे कहा जा रहा है कि 6+128 30,000 के रेंज में देखने को मिल सकता है और 8+128 24,999 बीच में देखने को मिलता है। प्राइस रेंज आपको ऑफिशियली मतलब ली हुई है, मगर कन्फर्म इसकी इन्फॉर्मेशन वो आपको 17 फरवरी को मिल। रियलमी तरफ से रियलमी G2 Note 3 जो फोन है इसे कहा जा रहा है कि गेमिंग एडिशन वाला फोन है, जिसमें आपको मेरे Dimensity 9000 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 5 MAH बैटरी और 100 वाट की चार्जिंग सुविधा देखने को मिलेगा। इसमें आपको अलग से गेमिंग बटन भी देखने को मिल सकता है। कुछ रियलमी G2 Note 3 की कुछ ऐसे लीक निकले देखते हुए फेक है कि रियल इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। रेडमी तरफ से रेडमी के 50 सीरीज वाला जो फोन है उसके भी ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि 16 फरवरी को लॉन्च होगा। चाइना में से कहा जा रहा है कि उसमें आपको जो गेमिंग एडिशन वाला फोन है पोको या फोन GT के नाम से इंडियन देखने को मिलेगा, वो कहा जा रहा है कि मार्च के महीने में आपको देखने को मिल सकता है। पोको तरफ फोन आपको Snapdragon 8 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारे अलग फीचर के साथ ये फोन जो है आपको देखने को मिल सकता है। इसकी शॉपिंग जा रही है रेडमी के 50 की तरफ से और पोको या 4GT की तरफ। रियलमी तरफ से रियलमी C35 थाईलैंड में लॉन्च होगी, इसकी प्राइस आपको कुछ 13,000 के रेंज में देखने को मिलेगी। प्राइस में कन्वर्ट किया जाए तो इसमें आपको 2 वेरियंट देखने को मिलेंगे, 4+64 GB और +6+128। इसमें आपको 6.5 इंच फुल HD डिस्प्ले, 5 MAH बैटरी, 1900 mAh का 6.1 वाला प्रोसेसर देखने को मिला है, साथ ही 50 MP 2+2 का रियर कैमरा सेटअप फोन के साथ 8 MP कैमरा देखने को मिलेगा। इसकी शॉपिंग जियो एयरटेल की बड़ी बैड न्यूज है, मतलब VIA ने से पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि उनका भी प्लान की प्राइस हाइक हो सकती है, मगर अभी एयरटेल ने भी कंफर्म करे कि उनके भी कुछ 2-3 महीने के अंदर हाइक होने की कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। तो इसी चक्कर में जियो भी कैसे पीछे हट रहा है, जियो ने भी ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनकी भी जो फोन की जो प्राइस है मतलब प्लान प्राइस है वो आपको 2-3 महीने के अंदर हाइक हो सकने जा रही है। थैंक यू, सब्सक्राइब करना।